नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग हब में। आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं रामसर सम्मेलन की। रामसर सम्मेलन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामसर कॉन्वेंशन के नाम से भी इसे कहा जाता है। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इन्वायरमेंट इकोलॉजी में। बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जैसे क्वेटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमने डिस्कस किया। इसी लाइन में हम आज रामसर कन्वेंशन के बारे में देखेंगे कि आखिर रामसर कन्वेंशन होता क्या है। तो आइए देखते हैं रामसर कन्वेंशन क्या होता है। रामसर सम्मेलन, जिसे कन्वेंशन भी कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका प्रमुख उद्देश्य वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि का संरक्षण तथा संवर्धन करना है। तो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने और ग्रोथ बढ़ाने के लिए इसका सम्मेलन किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य यही है। इसका नाम जो है, ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर, उस शहर के नाम पर इस सम्मेलन का नाम पड़ा। और यह सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आयोजित हुआ था। इसी वजह से इस कॉन्वेंशन का नाम रामसर पड़ा। यह संधि 1975 में पूरी तरह से अस्तित्व में आ चुकी थी और ये पूरे वर्तमान में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2193 आर्द्र स्थानों की पहचान की जा चुकी है, जो टोटल 20,88,43,804 हेक्टेयर में फैली हुई है। अगर इसको स्क्वायर किलोमीटर में बोला जाए तो 20,88,438.04 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये। तो ये आर्द्र स्थान आपको पता चल गया 2193 और कितना किलोमीटर में फैला हुआ है। इन स्थलों को रामसर स्थल या रामसर साइट्स भी कहा जाता है। जो भी स्थान पहचाने गए हैं उनको रामसर साइट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि आर्द्र भूमि का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है कनाडा में है। कनाडा में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल है। इसके अलावा आर्द्र भूमि की सर्वाधिक संख्या यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। और भारत में रामसर साइट्स की संख्या टोटल 26 है, याद रखिएगा ये। तो ये पूरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा, और किसी तरह का सजेशन देना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।